हेलो दोस्तों, पिक माय वर्क के पेटीएम B2B प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पेटीएम है इंडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला पेमेंट ऐप, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसको अलग अलग तरीकों से, जैसे कि बिल पे करने के लिए और बुकिंग्स के लिए भी। इसी के साथ पेटीएम का एक और डिविज़न है जो कि है बिजनेस सर्विसेस का, जहाँ से दुकानदार पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है और एडवर्टाइज कर सकता है और अपना खाता भी मैनेज कर सकता है। क्या काम करना है आपको एज अ पिक माई वर्क पार्टनर? आपके मोबाइल में एज एन एजेंट PSA ऐप डाला जाएगा, जो आपके TL और मैनेजर कुछ डिटेल्स लेके आपके अकाउंट को सेटअप करेंगे और आपके मोबाइल में एक इंस्टॉल करेंगे PSA ऐप। ऑनबोर्डिंग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जैसे ही आप अपना PSA ऐप ओपन करते हैं, टॉप राइट कॉर्नर में ऑनबोर्ड मर्चेंट पर आप क्लिक करते हैं। वहां से आप मर्चेंट का मोबाइल नंबर एंटर करते हैं और उसके बाद पेटीएम QR प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, 6-डिजिट वेरिफिकेशन कोड को एंटर करते हैं और उसके बाद इंडिविजुअल पर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद बिजनेस प्रूफ को अपलोड करते हैं। और अगर इंडिविजुअल ऑनबोर्डिंग है तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट को ऐड करने का स्टेप, जिसमें दिए गए ऑप्शन से या कोई भी बैंक अकाउंट मर्चेंट अपना ऐड कर सकता है। और उसके बाद आती है कुछ एडिशनल डिटेल्स दुकानदार की, जैसे कि कितना कार्ड का पेमेंट होता है हर महीने, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं दुकान पर, क्या शॉप जो है वो रेंटेड है या खुद की है, और उनका ईमेल आईडी। उसके बाद डालेंगे हम बिजनेस कैटेगरी, एजुकेशन में है कि इवेंट में है कि होटल है कि मोबाइल की दुकान है कि लॉजिस्टिक्स है, वो हम यहाँ से सर्च करके एंटर कर देंगे। और उसके बाद डालते हैं कंप्लीट और करेक्ट शॉप का एड्रेस। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से डालिएगा शॉप का एड्रेस दोस्तों, क्योंकि उनका QR कोड इसी दुकान के एड्रेस पर डिलीवर होगा। आखिरी में वो आपको रिव्यू करने की बोलेगा बिजनेस डिटेल्स को, सब सही होने पर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सारे ऑप्शंस को ध्यान से चेक करवाएं दुकानदार से। और उसके बाद आखिरी में आता है बिजनेस एग्रीमेंट, जो कि एक SMS के जरिए मर्चेंट के मोबाइल पे आने के बाद वेरीफाई होगा और एक तरीके से ओके हो जाएगा। इस तरीके से मर्चेंट अकाउंट क्रिएट किया जाएगा सिस्टम द्वारा। हमें दो तरीके के दुकानदार मिल सकते हैं, एक फ्रीलांसर जो कि हैं जैसे कि ट्यूशन टीचर, प्लम्बर, जो भी अपने बिजनेस के लिए पैसे एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे केस में हमें लाइव फोटो डालनी होगी दुकानदार की और शॉप के फ्रंट की भी, और इसके साथ साथ हमें डालनी होगी उस मर्चेंट की फ़ोटो, कोई भी गवर्नमेंट आईडी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड उनको पकड़े हुए। लेकिन अगर कोई ऐसा मर्चेंट है जिसकी दुकान है तो हमें डालनी होगी उसकी लाइव फ़ोटो, और साथ ही साथ हमें डालना होगा उसके दुकान की इनसाइड की फ़ोटो और आउटसाइड की फ़ोटो, यानी कि अंदर और बाहर जहाँ पे उसका लाइन ऑफ बिजनेस भी विजिबल हो। कुछ इस तरीके से जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दिया है अपलोड करेंगे और फाइनली हमारी एजेंट की ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। फाइनल स्टेप है कि आप दुकानदार के मोबाइल में पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड करके आएंगे, क्योंकि वहीं से मिलेगा उसको अपनी दुकान या बिजनेस के लिए QR कोड। आखिरी में कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि आपके पे आउट पर असर ना आए, कि जो भी हम ऑनबोर्डिंग करते हैं वो QC पास यानी कि क्वालिटी चेक पास होनी चाहिए, दुकानदार के मोबाइल में पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड होना चाहिए, उनके QR से ट्रांजेक्शन होनी चाहिए अगले 2 दिन में मिनिमम 10 रुपये की 2 यूनिक UPI आईडी से। सबसे अहम बात कि अब हम अपना काम पिक माई वर्क ऐप में सबमिट करेंगे ताकि हमें हमारा पे आउट मिल सके।
हम पिकमाईवर्क ऐप में जाके मर्चेंट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, वहाँ से पेटीएम B2B सेक्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लेम फॉर्म या ऑनबोर्डिंग फॉर्म को फिल करेंगे, जहाँ पर डालनी होगी हमें इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मर्चेंट का नाम और ट्रांजैक्शंस का प्रूफ। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम अपने पे आउट का वेट करेंगे। धन्यवाद।